नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मेहरा और आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान का सुप्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी। तो ये हमारे राजस्थान की पहचान है। तो दाल बनाने के लिए हमें किन सामग्री की आवश्यकता होगी, पहले वो देख लेते हैं। 250 ग्राम मूंग दाल ली हमने, 50 ग्राम तूर की दाल ली है, 50 ग्राम चने की दाल ली है और 50 ग्राम मसूर की दाल ली है। मसालों में हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा लेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। के लिए तड़के के लिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून घी लेंगे हम, 8-10 करी पत्ता, 1 तेज पत्ता, 2-3 गोल मिर्च, 2-3 लौंग लेंगे और छुटकी भर हींग लेंगे, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज मध्यम आकार की बारीक कटी हुई और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर लेंगे। अब हम दाल बनाना शुरू करते हैं। हम गैस ऑन करेंगे और पैन को ऊपर रखेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे घी, इसमें डालेंगे जीरा, आधी छोटी चम्मच, थोड़ी सी राई, 3 लौंग, तेज पत्ता, गोल मिर्च, हींग और करी पत्ता। अब इसमें मिलाएंगे प्याज, प्याज को अच्छे से मिलाएंगे, साथ में डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। दाल हमने पहले से भिगो कर रखी है, इस दाल को मिलाएंगे हम। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें। इसमें थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। और इसे 15 से 20 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे। जब तक दाल तैयार होती है तब तक हम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं बाटी के लिए। हमने लिया है 300 ग्राम आटा, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच घी मिलाएंगे, 2.5 चम्मच, और आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे सूजी, सूजी को मिलाकर इसको आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बाटी के लिए हमें आटा टाइट गूंथना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। थोड़े पानी में ही आटा गूंथना है। आटा हमने बहुत अच्छी तरह से गूंथ लिया है और इसको बहुत ही टाइट रखा है हमने। आटे को टाइट ही गूंथना है। हमारा आटा रेडी है। अब हम आटे को 20 मिनट तक
20 मिनट ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो गई है और हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हम बाटी बनाएंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से ऐसी गोल गोल बाटी बनाएंगे। बाटी को हम प्लेट में रखेंगे। बाकी सभी आटे की ऐसी इसी तरह से गोल गोल बाटी बना लेंगे सभी आटे की। इस तरह से हमने सभी बाटियां तैयार कर ली है। 20 मिनट हो चुकी है, दाल पक के तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे, दाल को अच्छी तरह से डालेंगे। इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से उसको भी मिला लेंगे। हमारी स्वादिष्ट दाल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे बाटी। दाल को दिखा लेते हैं कढ़ाई में। दाल को हमने इसमें निकाल दिया कढ़ाई में और इसे हम हरा धनिया दाल की गार्निश करेंगे। हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। बाटी को हम कई तरीके से बना सकते हैं, सेक सकते हैं। अगर हम बाटी को पकाने के लिए गैस कुकर का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम गैस को चालू करेंगे और गैस के ऊपर हम कुकर रख देंगे। कुकर को गर्म होने देंगे 4-5 मिनट। हमारा कुकर गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर बाटियां रख देंगे। अब इसे ढक देंगे। बीच बीच में हम इसको पलटते रहेंगे। हम देखते रहेंगे कि कोई जल तो नहीं रहा है और सही तरीके से सभी को पकाएंगे। देखिए ब्राउन रंग होना शुरू हो गया इनपे। हमारी बाटी पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बाटी को एक बॉल में निकाल लेंगे। बाटी को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे, इस बाटी पे हम घी डालेंगे। तो दाल बाटी हमारे बन के तैयार है। इसे प्यार से सर्व करिए और खाइए। अगर आपको मेरी दाल बाटी की रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।